हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग में कुछ चेंजेस इस बार हमें देखने को मिल सकती है, बोथ ऑल इंडिया और स्टेट में। वो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगी और उन चेंजेस का इम्पैक्ट किस तरीके से इस बार की काउंसलिंग में पड़ सकती है, इसके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे ना। जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो चेंजेस जो हैं वो क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इन चेंजेस का सोर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सोर्स जो है वो एमसीसी की नीट यूजी काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन आई है उससे जो है वो डायरेक्ट होती है। दैट मीन्स कि एमसीसी की नीट यूजी काउंसलिंग के लिए जो स्केड्यूल आई है और उसमें जो चेंजेस की गई है, वो चेंजेस हमें नीट पीजी की भी काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि एमसीसी ही वो अथॉरिटी है जो नीट यूजी की काउंसलिंग भी कंडक्ट कराती है और नीट पीजी की काउंसलिंग भी कंडक्ट कराती है। तो जब सेम अथॉरिटीज है तो काउंसलिंग नीट यूजी में जो चेंजेस काउंसलिंग की के लिए एमसीसी लेकर के आ रही है, देयर आर हाईली चांसेस कि वो सारे के सारे चेंजेस इस बार की काउंसलिंग में आपको नीट पीजी की काउंसलिंग में भी देखने को मिलेगी। सो क्या है वो चेंजेस, उस पर पहले आ जाते हैं और उस चेंजेस के वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगी। वो इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगी और वो किस तरीके से आप लोगों के ऊपर में इस बार की काउंसलिंग के कट ऑफ के ऊपर में या इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर किस तरीके से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चेंज ये है टू स्टेप वेरीफिकेशन। टू स्टेप वेरीफिकेशन क्या होती है, अभी तक हमारी एमसीसी की जो काउंसलिंग होती थी, अलॉटमेंट होती थी, जैसे एमसीसी की राउंड वन काउंसलिंग हुई, उसमें पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया, देन हमने चॉइस फिलिंग की, देन हमारी रिजल्ट आती है जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमें कौन सी सीट मिली है, मतलब कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिली है। जो हमें सीट मिलती थी उसमें हम क्या करते थे कि रिपोर्टिंग उसके बाद हुआ करती थी, मतलब रिपोर्टिंग मतलब उस कॉलेज में जाकर के हमें एडमिशन लेना होता था, उसके लिए 4-5 दिन का टाइम मिलता था। जब रिपोर्टिंग होती थी तब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते थे एमसीसी की काउंसलिंग में। हर एक राउंड की काउंसलिंग के लास्ट में जब हम कॉलेज जाकर के एडमिशन लेते थे तब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ करती थी। इस बार की काउंसलिंग में हो सकता है कि ये एक फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसके बाद भी जब रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगी तो एमसीसी खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, उसके लिए वो 2 से 3 दिन का टाइम रख सकती है। मतलब एक तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी कॉलेज लेवल पे, और उसके बाद जो जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे उनके डेटा को एमसीसी से शेयर की जाएगी रिपोर्टिंग जब खत्म हो जाएगी, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जबकि भी रहती है, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद का जो टाइम दिया जाएगा 1 से 2 दिन, 2 दिन का टाइम जनरली दिया जाएगा, उसमें एमसीसी अपने लेवल पे एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। एमसीसी के पास सारे जॉइंट कैंडिडेट्स के डेटा और उनके डॉक्यूमेंट्स जाएगी, जिसमें एमसीसी अपने लेवल पे फिर उसको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। सो टू स्टेप वेरिफिकेशन होगी, एक कॉलेज लेवल पे और एक एमसीसी लेवल पे। अब इसके वजह से क्या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। स्ट्रिक्ट होना मतलब कि ये सिर्फ इस वजह से है कि जो स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन स्टूडेंट्स को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे फेक भी बनते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं एमसीसी के, वो गाइडलाइंस को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ दूसरे किसी और से वो डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा करके वो एडमिशन ले लेते हैं एनआरआई सीट्स पर और अच्छी अच्छी कॉलेजेस वो ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए, कम करने के लिए ये जो है अब एमसीसी एक बार अपने लेवल पर भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और इस डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की जो स्टेप है, ये प्रोसेस है, इसको अब जो है सो वो और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो ये फॉलिसीज हैं फॉलिसीज वो कम किए जा सके। सो ये पहली तो चेंजेस हैं। दूसरी चेंज क्या है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है उसमें री रजिस्ट्रेशन हुई थी, चॉइस फिलिंग हुई थी। इस बार भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड मतलब मॉपअप के बाद वाली राउंड, मतलब राउंड फोर में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड रहेंगे और साथ में दोबारा से चॉइस फिलिंग भी अलाउड रहेगा। दैट मीन्स कि अगर किसी स्टूडेंट ने मॉपअप तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक और मौका इस बार से एमसीसी देगी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और सीट पा सकते हैं। सो ये एक चेंज आपको इस बार काउंसलिंग में देखने को मिलेगी, विच इज द सेकेंड चेंज, राइट।
और जो थर्ड चेंज है वो ये है कि इससे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होती थी, मतलब मॉपअप के बाद वाली जो काउंसलिंग होती थी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन होती थी, बट प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के लिए ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन मतलब कि कॉलेज टू कॉलेज स्टूडेंट विजिट करते थे स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और अपनी पसंद की सीट जो है वो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होती थी, और जो भी उन सीट होती थी उनको मिलती थी वो सीट वो एक्सेप्ट करते थे। ऐसे में क्या होता था कि कॉलेज वाले अपने लेवल पे, कॉलेज के मैनेजमेंट अपने लेवल पे बदमाशी करते थे और वो डोनेशन लेकर के स्टूडेंट्स को सीट दिया करते थे। इसी रीजन से आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते होंगे जिसमें एजेंट्स के कॉल आते होंगे जिसमें एजेंट्स का ये कहना होता होगा कि आप अपनी सीट बुक करा लो, हम आपकी सीट बुक कर देंगे और आपको जो है वो हम आपको सीट दिला देंगे। तो ये जो बुकिंग वाली बात है, इस बुकिंग की चीज़ों को हटाने के लिए, बुकिंग कब हो सकती है, जब तक काउंसलिंग ऑनलाइन होती है तब तक आपकी सीट बुकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो एल्गोरिदम से होती है। जहां पे भी मैनुअल इंटरवेंशन हुआ, जहां पे भी मैनुअल इंटरवेंशन हुआ, जहां पे भी चीजें मैनुअली होने लगी, वहां पे जो है चीजें वो गलत होने लगती है, इलीगल होने लगती है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ऑफलाइन हुआ करती थी इससे पहले, जहां पे कॉलेज मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पैसे लेकर के अपनी मनमानी रेट पे, अपनी मनमानी डोनेशन लेकर के जो सीट्स हैं उन सीट्स को बेचा करते थे। बट अब से ये चीज़, ये रूल हो सकता है इस बार से चेंज कर दी जाएगी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होगी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, वो भी ऑनलाइन ही होगी। और जब काउंसलिंग ऑनलाइन होगी तो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, और जब इंटरवेंशन नहीं होगा मैनुअल, तो जो सीट्स को बेचने और खरीदने की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी और मेरिट बेसिस पर स्टूडेंट्स को सीट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट जो मेरिट बेसिस पे आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले सीटें बहुत ज्यादा बचती थी और अब सीट्स नहीं बचेगी, सीट्स अब भी बचेंगी, क्योंकि सीट्स बचने का रीजन ये है कि आपकी सीट्स महंगी है। आप एनडीम्ड की, एनआरआई की सीट्स की अगर फीस की बात करें तो 55-60 लाख से, 55-60 लाख से वो स्टार्ट होती है और वो 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक जाती है पर एनम। तो ऐसे में अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीट बच जाती है तो उसका क्या, अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने के बाद भी सीट बच जाती है तो इसे लेकर के कुछ क्लैरिटी तो नहीं दी गई है, मगर ये है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन जो कि कंडक्ट होने वाली है उसके बाद भी सीट बच जाती है तो उन सीट्स को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके वो सीट अलॉट कर दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सस्ती से सस्ती सीट्स भी मिल सकती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बताते हैं कि अगर डीम्ड ऑनलाइन होती है तो एक तो पॉइंट ये हो गई, दूसरी बात है कि अगर डीम्ड ऑनलाइन हो सकती है तो स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ करती थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी। ऑफलाइन मतलब मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब सीट्स की खरीद बिक्री, राइट। अगर डीम्ड हो ऑनलाइन कर दी जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, डीम्ड की स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन कर दी जाती है तो एक तो खरीद बिक्री वाली चीजें खत्म हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है, और अगर डीम्ड को किया जा सकता है तो प्राइवेट को भी किया जा सकता है। अगर स्टेट्स के प्राइवेट को भी ऑनलाइन ही कर दिया गया तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी और एक पॉजिटिव कट ऑफ इसके वजह से जनरेट होता हुआ हमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी दिखाई देगा। अब इसके बाद जो सीट्स हैं, एक तो ये भी है, सीट्स बचने के बाद, इससे पहले भी सीट्स काफी बचती थी अब भी सीट्स काफी बचेंगी, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि जो रिवाइज कट ऑफ होगी वो और थोड़ी डाउन हो जाए। कहने का मतलब है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि रिवाइज कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 235-240 हो सकती है, बट क्योंकि सीट्स ज़्यादा बचेगी, इवन रिवाइज कट ऑफ वालों के लिए भी सीट्स रहेगी और सीट्स ज़्यादा बचेगी तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो कट ऑफ है ये और थोड़ी सी डाउन हो जाए, 210, 215 या 220 तक आ जाए। ये मेरा अनुमान है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फिगर, हो सकता है ऐसा हो जाए, राइट। अब आते हैं कि रिवाइज कट ऑफ की बात हमने कर ली, अब बात कर लेते हैं एनसीसी की काउंसलिंग डेट, जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है एनसीसी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी। सी
मुझे लगता है कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी। इसके पीछे मेरे अपने रीजन हैं। एक तो सबसे पहले तो एक जो नोटिफिकेशन पहले आई थी उसमें जो इंट्रा एमसीसी पोर्टल पे कॉलेजेस को इन्फॉर्म किया गया था कि इंट्रा एमसीसी पोर्टल पे उन्हें सीट्स अपलोड करनी है, अपडेट करनी है, हर एक कॉलेज को वहाँ पे डेटा शेयर करनी है, अपडेट करनी है एमसीसी पोर्टल पे। उस नोटिस में तो लिखा हुआ था ही कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगी। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होने के एक और रीज़न है, या तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इसके पीछे का मेरा अपना रीज़न क्या है कि सी, सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप 11th of August 2023 तक खत्म हो जानी चाहिए, राइट? अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 11th of August से पहले खत्म हो जाती है, अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग डेट है, मतलब एडमिशन की डेट 11th of August से पहले खत्म हो जाती है, जो हमारी इंटर्नशिप की लास्ट डेट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं रहेगी और उस वजह से मल्टीपल पॉलिसीज आ सकती है, मल्टीपल गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन्स वो बढ़ सकती है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि एक एरर के वजह से बहुत सारे चेन ऑफ एरर्स अकर होते हैं, मतलब एक गलती के वजह से बहुत सारी गलतियां होती है, ये चीजें आपने सुनी होगी। तो अगर इस तरीके का लूप होल रखते हैं, अगर 11th of August से पहले राउंड वन काउंसलिंग वो खत्म करते हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए स्टूडेंट को अलाउ करते हैं, तो ऐसे केस में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप तो 11th of August 2023 को खत्म हो रही है। सो इस वजह से, इस लूप होल की वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मिस्टेक, आई मीन जो काउंसलिंग है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। और जब ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, जैसे कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट की इंटर्नशिप 12th of August को खत्म हो रही है, अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उस स्टूडेंट के वजह से, अगर उनको कोई सीट मिल जाती है गलत डेटा देने की वजह से या गलत डेटा शेयर करने की वजह से, अगर उनको कोई सीट मिल जाती है और वो 11th of August से पहले रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं, तो आप समझो कि पूरी की पूरी अलॉटमेंट ही चेंज हो जाएगी। एक स्टूडेंट की वजह से पूरी अलॉटमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस स्टूडेंट को वो सीट मिली होगी उससे उसके उनके जो पीछे रैंक, उनके जो जस्ट पीछे स्टूडेंट होंगे उनको वो सीट मिल सकती थी अगर ये स्टूडेंट अभी वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते तो, अगर ये स्टूडेंट वहाँ पे नहीं होते तो ये पूरी की पूरी अलॉटमेंट ही चेंज हो सकती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो काउंसलिंग की स्टार्टिंग डेट होगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को ख़त्म होने में कुल 11-12 दिन या 13 दिन का टाइम लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे कि जो राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट है वो 11th of August के बाद रहे। दैट मीन, मेरे कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राउंड वन काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग, मतलब एडमिशन की जो ड्यूरेशन होगी वो 11th of August के बाद रहे, जिससे कि स्टूडेंट्स के पास कोई भी ऐसी जो है ना चीज़ बचे ना। स्टूडेंट के पास जो 11th of August को उनको इंटर्नशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेकर के वो उसके बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिशन डेट रहेगी राउंड वन काउंसलिंग की या रिजल्ट जो आएगी वो 11th of August के बाद की रहेगी वो डेट। अगर ऐसा होता है तो 11th of August को सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट आ जाएगी, सर्टिफिकेट आ जाएगी, और फिर जब वेरिफिकेशन होगी तो स्टूडेंट के पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 10 से 11 दिन या 12 दिन का टाइम कम से कम फर्स्ट राउंड में लगता है, तो 11 तारीख के बाद अगर ये 4-5 दिन रिपोर्टिंग के लिए रखते हैं तो 7-8 दिन उससे पहले, 11 से पहले 7-8 दिन ये रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, चॉइस फिलिंग पर्पस के लिए, इनके लिए वो रख सकते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर आर हाई चांसेस कि आपकी जो है काउंसलिंग वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो। अगर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं तो 11 दिन, मतलब 11th of August की जो इंटर्नशिप की डेट है उसके बाद की ये रिपोर्टिंग की डेट रख सकते हैं और जो है सारी चीज़ें स्मूथली तब चल सकती है। सो गाइज, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप जो मैसेज मैंने कॉन्वे करने की कोशिश की है वो आप तक सही तरीके से पहुंची हो। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल कर दी हो तो यू हैव आर नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल एंड इंक्वायर।